अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुश कुकिंग ब्लॉग। आज की हमारी मज़ेदार रेसिपी है मटन स्टार्टर, जो है तंदूरी मटन बोटी कबाब। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही सिंपल में बनाएंगे हम। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। एक कुकर में लिया है हमने 500 ग्राम मटन, उसे अच्छी तरह धो लिया है। अब ऐड करेंगे 1 स्मॉल साइज़ की स्लाइस की हुई अनियन को। अब ऐड करेंगे 2 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टी स्पून ऐड किया है हमने सॉल्ट, 1/2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और मटन को गला लेंगे। दूसरी साइड हमने हैंग कट को लिया है, आप गाढ़ा दही हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐड किया है 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टी स्पून ऐड किया है हमने सॉल्ट, ऐड करेंगे 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टी स्पून ऐड करेंगे चाट मसाला, 1/2 टी स्पून ऐड किया है हमने टर्मरिक पाउडर, 1 टी स्पून ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है हमने, 1/4 टी स्पून लिया है हमने फूड कलर और 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऐड किया है हमने 1 टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टी स्पून ऐड किया है जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम मसालों को। देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं दही में। अब ऐड करेंगे हम हमारा गला हुआ गोश्त, जो भी हमने गला लिया था। 5 to 6 विजल में गोश्त गल जाएगा। अच्छे से ड्राई कर ऐड करें दही के मिक्सचर में, अच्छे से मिक्स करें। ऐड किया है हमने 1 टेबल स्पून के करीब बेसन, अच्छे से मिक्स करेंगे। स्मोकी फ्लेवर आने के लिए हमने एक ऑयल को हीट किया है, एक बोल में रख लिया है, उसमें ऐड किया है घी और 5 to 10 मिनट्स के लिए कवर कर लेंगे। मटन में स्मोकी फ्लेवर ऐड हो चुका है। स्क्यूअर की हेल्प से तमाम गोश्त को इसमें अच्छी तरह पुरो लेंगे। इसी तरीके से हमने तमाम बोटी कबाब रेडी कर लिए हैं। अब फ्राई कर लेते हैं। एक तवा लेंगे, उसमें ऑयल हीट करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब और तमाम कबाब्स को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। गोश्त ऑलरेडी कुक हो चुका था, हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मज़ेदार से बोटी कबाब रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉय माई रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें।